नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ बिहार। मैं हूं आपके साथ शिखर शुक्ला। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। बिहार में हौसलों से हार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 13,466 नए केस सामने आए। रिकवरी रेट सुधरकर 79.16% पर पहुंचा। कोरोना संक्रमितों के लिए अच्छी खबर। बिहटा के ESIC अस्पताल में आज से 100 बेड का कोविड अस्पताल हो गया शुरू। सभी बेड पर ऑक्सीजन रहेगी उपलब्ध। मोतिहारी के ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग हुई ठप। 800 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रोजाना रिफिल करता है यह प्लांट। ड्राइव एंट में आई गड़बड़ी। DM बोले नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। कार्यालय में 50 एम्बुलेंस खड़ी रखने पर घिरे BJP सांसद राजीव प्रताप रूड़ी। पप्पू यादव ने खोली पोल तो दे रहे सफाई। बोले एम्बुलेंस चलाने के लिए नहीं मिल रहा कोई ड्राइवर। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। एम्बुलेंस मामले पर BJP सांसद रूड़ी की मुश्किलें बढ़ी। पूर्व IPS अमिताभ दास ने रूड़ी पर FIR के लिए DGP को लिखा लेटर। नहीं होगी कार्रवाई तो जाएंगे कोर्ट। कल पप्पू यादव ने रूड़ी के गांव में रखी 50 एम्बुलेंस पकड़ी थी। एम्बुलेंस पर बढ़ गई नेताओं की जंग। 40 से अधिक चालकों के साथ पप्पू यादव ने रूड़ी से मांगी एम्बुलेंस की चाबी। कहा, मेरी मौत से जनता को मुफ्त मिले सेवा तो वह भी है मंजूर। 40 ड्राइवर हैं इनके पास तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी समर्पित कर। जदयू MLC तनवीर अख्तर का हुआ निधन। CM नीतीश ने जताया शोक। घर में इलाज करा रहे लोगों को कैसे मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा। बिहार के लिए केंद्र ने बढ़ाया रेमडेसिविर का कोटा। पटना में 80% हिस्सा मिलेगा निजी अस्पतालों को। मुजफ्फरपुर के RJD विधायक आए CM नीतीश कुमार के साथ। राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। पश्चिम चंपारण में यदि सड़क पर लोग दिखे तो दंडाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में बदलने जा रहा है बालू घाटों को लेकर नियम। नए हाथ में बंदोबस्ती सौंपने की है तैयारी। औरंगाबाद में वरवधु को लेकर लौट रही कार चालक को आई अचानक झपकी। खतरनाक हुआ अंजाम। मुजफ्फरपुर के इंजीनियरिंग छात्र ने प्लास्टिक कचरे से बनाई ईंट। विशेषज्ञों की राय का है इंतजार। दुकानें हटवाने गई पुलिस पर सब्जी विक्रेताओं ने किया हमला। बचाव में पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। दरभंगा के कमला नदी में आई बाढ़। चचरी पुल धसा। एक दिन पहले CM ने की थी बाढ़ सुखाड़ पर हाई लेवल की मीटिंग और अगले दिन कमला में आ गई बाढ़। आरा में बुजुर्ग पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। दलान पर सो रहे थे तभी अपराधियों ने मारी गोली। वार्ड परिषद से चल रहा था विवाद। बिहार सरकार की खुल रही है पोल। SKMCH में भर्ती होना है तो 7 लाख ऑक्सीजन वेंटिलेटर का नहीं किया जा रहा इस्तेमाल। बिहार में कोरोना का दिखा खौफनाक चेहरा। पति के बाद अब पत्नी की भी हो गई मौत। बेटी ने PPE किट पहनकर मां को किया दफन। BEd कैंडिडेट्स अब 30 मई तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। 15 जून को होगा एंट्रेंस टेस्ट। LNMU ने जारी की नई डेटशीट। आज की सुर्खियों में बस उतना ही। बाकी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच बिहार।